नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं एक न्यू फ्लाईओवर से, जहां पर दोस्तों हैदराबाद में ट्रैफिक कंजेशन को बेहतर बनाने के लिए एक और फ्लाईओवर बनाकर कंप्लीट कर दिया गया है और 263.09 करोड़ रुपीज से बने इस फ्लाईओवर को ओपन भी किया गया है। दोस्तों फ्लाईओवर एक मल्टी लेवल यूनी डायरेक्शनल फ्लाईओवर है जो बोटेनिकल गार्डन, कोठागुड़ा एंड कुंदापुर इन तीन इंपोर्टेंट ट्रैफिक जंक्शन को कनेक्ट करता है। स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत इसे हैदराबाद में बनाया गया है, जो इस प्लान के अंतर्गत बनने वाला 18 फ्लाईओवर है और प्लान में बनने वाला ओवरऑल 37 स्ट्रक्चर है। काफी लंबे समय से इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था और काफी सारे डिलेस के बाद में फाइनली इसको पब्लिक यूज के लिए ओपन किया गया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है लॉन्गेस्ट क्रूज सर्विस से रिलेटेड, जहाँ पर दोस्तों हमारे देश की लॉन्गेस्ट क्रूज सर्विस को लेकर सभी प्रिपरेशंस कंप्लीट कर ली गई है और जनवरी 13 को इसको हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फ्लैग ऑफ किया जाना है। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो आज से 2-3 वीक पहले ही मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था कि वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच में हमारे देश की लॉन्गेस्ट क्रूज सर्विस को ऑपरेट किया जाएगा, जो कि एक टाइप की लग्जरी क्रूज सर्विस होगी और अब ये काम आगे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। 3200 किलोमीटर लंबा है रूट या फिर ये क्रूज सर्विस ओवरऑल भारत में जो ट्रैवल करेगा, साथ साथ बांग्लादेश के ढाका से भी होकर गुजरेगा। गंगा विलास इस सर्विस का नाम रखा गया है, जो वाराणसी के संत रविदास घाट से स्टार्ट होगी और 51 डेज का ट्रैवल कंप्लीट करते हुए असम के डिब्रूगढ़ डॉक में जाकर टर्मिनेट होगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हमारी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की एक और स्टेज के ऊपर ट्रायल कंप्लीट कर लिए गए हैं और बहुत ही जल्द अब ये स्टेज भी ऑपरेशनल होती हुई देखने को मिलेगी। दोस्तों हालांकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम हमारे देश में लेट चल रहा है और अभी तक ये बनकर तैयार हो जाने चाहिए थे जो नहीं हुए हैं, पर धीरे धीरे अब इसकी जो छोटी छोटी स्टेज है वो ओपन होती देखने को मिल रही है। इस बार ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर न्यू कचना से न्यू सुजातपुर के बीच में ट्रायल्स लिए गए हैं। कोल से लोडर 53 वेगन्स वाली ट्रेन को इस न्यू स्टेज के ऊपर दौड़ाया गया है, जिसने सक्सेसफुली ट्रायल को कंप्लीट किया है। कहा ऐसा जा रहा है कि स्टेज की ओवरऑल लेंथ 62.65 किलोमीटर की है और 1 किलोमीटर लंबा यमुना रिवर ब्रिज भी इसी पार्ट के ऊपर बनकर तैयार हुआ है। इसके चलते हुआ यह है कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंतर्गत चूनर से न्यू कानपुर के जो बीच में स्टेज है वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है। साथ साथ छोके लिंक लाइन, इरादतगंज लिंक लाइन, सुजातपुर लिंक लाइन, रूमा लिंक लाइन, ये सब भी बनकर तैयार हो चुकी हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है एक और एयरपोर्ट से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों सबरीमाला एयरपोर्ट का काम अब आगे जाता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि केरला गवर्नमेंट के द्वारा इस एयरपोर्ट के लिए लैंड एक्विजिशन का काम सैंक्शन कर दिया गया है। दोस्तों सबरीमाला एयरपोर्ट कंप्लीटली एक ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट होगा, जो केरला के कोत्तयम डिस्ट्रिक्ट के इरुमली में बनकर तैयार होगा। और जैसा कि आप जानती हैं कि सबरीमाला टेम्पल हमारे देश का वन ऑफ द बिगेस्ट होली श्राइन भी मानी जाती है, जहां पर हर साल लाखों में पिलग्रिम्स आते हैं और करंटली यहां पर सिर्फ रोड के अलावा कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जिसके लिए मैंडेटरी बन जाता है कि यहां पर दूसरी फैसिलिटीज को भी डेवलप किया जाए और एयरपोर्ट ही एक इकलौता रास्ता बचता है, क्योंकि वहां पर इसको इजीली डेवलप किया जा सकता है। ओवरऑल 2570 एकर्स के एरिया में ये एयरपोर्ट फैला होगा और इसी लैंड को एक्वायर करने के लिए अप्रूवल दे दी गई है। बहुत ही जल्द लैंड एक्वायर कर ली जाएगी और 3900 करोड़ रुपीज के स्टेड के ऊपर बहुत आपको काम स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है एप्पल के आईपैड्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ये कंसीडर कर रही है कि वो चाइनीज कंपनीज के साथ जो जॉइंट वेंचर्स हैं वो अप्रूव करें, ताकि हमारे देश में और ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो चाइना से दूसरी कंट्रीज में या फिर इंडिया में लोकेट होना चाहती हैं वो इजिली रिलोकेट हो सके। सो बेसिकली दोस्तों जैसा कि आप जानती हैं कि चाइना में कोविड के चलते सप्लाई चेन डिसरप्शन आया है, उसके चलते बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज ऐसी हैं जो चाइना से उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को दूसरी कंट्रीज में रिलोकेट करना चाहती हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो भारत में रिलोकेट करना चाहती हैं। इनफैक्ट एप्पल के द्वारा भी डिसाइड किया गया है कि वो उनकी कुछ आईपैड प्रोडक्शन को भारत में शिफ्ट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं गलवान क्लैश के बाद हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑर्डर इशू किया गया था, जिसके अंतर्गत हमारे देश के साथ जितनी भी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं उनके द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट हमारे देश में होगी उसको पहले हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद उनको अप्रूवल मिलेगी। तो इसके चलते बहुत सारी चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स ऐसी हैं जिनको अप्रूवल दी नहीं जाती है, पर करंटली हो ये रहा है कि बहुत सारी जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो चाइना में चाइनीज कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर फॉर्म करके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और वो कंपनीज चाहती हैं कि वही जॉइंट वेंचर इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग करे, क्योंकि वो अकेले अपने दम पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना चाहती है, पर रिस्ट्रिक्शन के कारण वो हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं पा रही हैं। तो इसी के चलते हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ये प्रपोजल कंसीडर कर रही है कि इन जॉइंट वेंचर्स को हमारे देश में अप्रूवल दी जाए। और वैसे मैं सबको बता दूँ कि मैंडेटरी भी है, क्योंकि हमारे देश के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को लेकर जो टारगेट सेट किए गए हैं वो काफ़ी बड़े हैं और चाइनीज कंपनीज के पार्टिसिपेशन के बिना ये कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो देखते हैं कि इसको अप्रूवल मिल पाती है या फिर नहीं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है देश की बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हमारी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लेह लद्दाख में एक और एयरफील्ड के ऊपर काम स्टार्ट किया जाना है।
और इस बार लद्दाख के नियोमा में एक न्यू एयरफील्ड के लिए बिड्स इनवाइट कर दी गई हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एयरफील्ड लद्दाख के नियोमा में बनकर तैयार होगी, तो इसके लिए चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का काफ़ी बड़ा पार्ट यूज़ किया जाएगा। ये एयरफील्ड ओवरऑल 1,235 एकड़स के एरिया में फैली होगी, जहाँ पर 2.7 किलोमीटर लंबा एंड 45 मीटर वाइड एयरफील्ड बनाई जाएगी, ताकि दोनों डायरेक्शन से सेम टाइम पर एयरक्राफ्ट लैंड कर सके। चिनूक, अपाचे, C-17, तेजस, Mi-17 इस तरह के चॉपर्स एंड एयरक्राफ्ट इजीली इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ओवरऑल 214 करोड़ रुपीज़ इस एयरफील्ड के ऊपर स्पेंड किए जाएंगे, और एक बार जब ये बनकर तैयार हो जाती है तो ईस्टर्न लद्दाख एरिया में हमारी इंडियन एयरफोर्स की प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से जस्ट 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही इसको डेवलप किया जाना है। बढ़ेंगे दोस्तों के लिए अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है देश के टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड, जहाँ पर दोस्तों हमारे देश की टेलीकॉम कंपनीज के द्वारा इस साल के अंदर अंदर हमारे देश में 5G डिप्लॉयमेंट को फास्ट पेस पर डाल दिया जाना है, और ओवरऑल 1.5 लाख करोड़ रुपये से ऊपर की इन्वेस्टमेंट आपको हमारे देश के टेलीकॉम सेक्टर में इस साल के अंदर अंदर होती हुई देखने को मिलेगी। दोस्तों हालांकि 5G डिप्लॉयमेंट को लेकर हम दुनिया से पीछे हैं, क्योंकि 1.5-2 साल पहले ही दुनिया में 5G को डिप्लॉय कर दिया गया था, पर अब धीरे धीरे हमारे देश में भी 5G का एक्सपांड किया जा रहा है, और इस साल आपको बड़े स्केल पर देश में 5G रोल आउट होता देखने को मिलेगा, क्योंकि रिलायंस जियो के द्वारा इस साल 5G को लेकर 2 लाख करोड़ रुपीस, एयरटेल के द्वारा 27 से 28,000 करोड़ रुपीस, जबकि BSNL के द्वारा भी टेलीकॉम सेक्टर में 16,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट की गई है। इसके अलावा अडानी ग्रुप का भी टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी बड़ा प्लान है, जो भी उन्होंने अनवेल तो नहीं किया है, पर मोस्ट प्रोबेबली वो काफ़ी बड़ा ही प्लान होगा, और यही सब रीजंस हैं कि एटलीस्ट 1.5 लाख करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट इस साल टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी इजीली हमें देखने को मिलेगी, और बहुत ज़्यादा चांस है कि ये इन्वेस्टमेंट आपको और भी बढ़ती हुई देखने को मिले। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है एक और फ्लोटिंग सोलर प्लांट से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट का टेंडर लार्सन एंड टोब्रो को दे दिया गया है, और अब मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में एक और फ्लोटिंग सोलर प्लांट हमको बनता हुआ देखने को मेगा। तो उसे फ्लोटिंग सोलर प्लांट की कैपेसिटी 90 मेगावाट्स की होगी, हालांकि ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा, और अगर आपको याद होगा तो कुछ समय पहले ही ये कहा गया था कि ओमकारेश्वर में एक 600 मेगावाट का भी फ्लोटिंग सोलर डेवलप किया जाएगा, जिसे 300 मेगावाट के दो पार्ट्स में डिवाइड करके डेवलप किया जाना है। उनके टेंडरिंग का काम चल रहा है, कुछ तो टेंडर दिए भी जा चुके हैं, और जो 90 मेगावाट का सोलर प्लांट एक और बनकर तैयार होगा, इसका उस 600 मेगावाट के प्लांट से कुछ लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल एक अलग प्लांट होगा। और क्योंकि अब टेंडर लार्सन टोब्रो को दिया गया है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काम बहुत ही स्टार्ट होता देखने को मिलेगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है देश की स्टार्टअप इंडस्ट्री से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हमारे देश की स्टार्टअप इंडस्ट्री के द्वारा इस साल ओवरऑल 21 यूनिकॉर्न स्टार्टअप प्रोड्यूस किए गए हैं, और ये नंबर चाइनीज स्टार्टअप इकोसिस्टम के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा है। दोस्तों 2021 जैसे कि आप जानती है कि उस समय हमारे देश में रिकॉर्ड 44 यूनिकॉर्न स्टार्टअप देखने को मिले थे, और हमारे देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए वो काफी बेहतरीन ईयर रहा था, क्योंकि उससे पहले हाईएस्ट एक साल में हमारे देश में 11 या फिर 13 यूनिकॉर्न स्टार्टअप देखने को मिले हैं, लेकिन 2021 हमारे देश की स्टार्टअप इंडस्ट्री के लिए एक ब्रेक थ्रू ईयर था, और इस बार भी ग्लोबलाइजेशन के चलते हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यूनिकॉर्न्स में 54% का डिक्लाइन भारत में देखने को मिला है, लेकिन अगर दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि चाइना जो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, वहाँ पर 2022 में सिर्फ 7 यूनिकॉर्न स्टार्टअप ही बने हैं, जबकि हमारे देश में 21 यूनिकॉर्न स्टार्टअप इस साल के अंदर अंदर जनरेट किए गए हैं, जो कि ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं, और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।